Hello friends, welcome to Others Academy and this is presenting by Alpna. One liner question part 4 में आपका हार्दिक स्वागत है. Friends, ये जो हम one liner questions का जो सीरीज शुरू किए हैं, ये आपके PCS और IS दोनों की दृष्टि, दोनों एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है. ठीक है, तो आप प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इसे आप ध्यानपूर्वक अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा. ठीक है, ये जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा. ठीक है, सबसे पहले बंगाल के इस गवर्नर ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की. बंगाल में द्वैत शासन, श्वेत विद्रोह, कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना जैसी घटनाएं इसी काल में हुई. ठीक है, यह था रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और एंड 1765 से 1767. ओके, नेक्स्ट वन. या क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर बना ब्लैक हॉल की घटना का उल्लेख इसी ने किया था. यह था हॉलवे 1760. नेक्स्ट वन. बंगाल के इस गवर्नर के कार्यकाल में 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा. यह था कर्टियर 1769 से 1772. नेक्स्ट वन. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना. भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था, बनारस की संधि 1773, कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना एवं दस्ता के प्रयोग पर प्रतिबंध लगने की घटनाएं इसी के कार्यकाल में हुई थी. ये कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785. वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो दो बार रह चुके थे गवर्नर. ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट के समय 1784 के समय भी यही थे. नेक्स्ट वन. तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1719 से 92. कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में चार प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना, बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793, न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना जैसी घटनाएं बंगाल के इसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई. इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है. गौर करें, भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793. नेक्स्ट वन. निजाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध, देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति तथा 1793 के चार्टर का संबंध बंगाल के जिस गवर्नर के कार्यकाल से संबंधित है वह था सर जॉन सोर. नेक्स्ट वन. महाराजा रंजीत सिंह प्रसिद्ध के साथ अमृतसर की संधि की लॉर्ड मिंटो प्रथम ने. नेक्स्ट वन. बंगाल के इस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन का विस्तार किया. चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तथा बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि इसी गवर्नर जनरल के काल की घटनाएं हैं. यह था लॉर्ड बेलेजरी. नेक्स्ट वन. प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, पिंडारियों का दमन, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू होना बंगाल के इसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल की घटनाएं हैं. लॉर्ड हेस्टिंग्स. नेक्स्ट वन. प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेमहर्स्ट थे. नेक्स्ट वन. भारत के जिस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया था वह था चार्ल्स मेटक्रॉप. नेक्स्ट वन. यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था. यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था. सती प्रथा की समाप्ति, ठगी की समाप्ति, नल बलि प्रथा का अंत, 1833 का चार्टर अधिनियम, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त करने की घोषणा, अंग्रेजी का भारतीय प्रशासन की आधिकारिक भाषा बनना तथा आंग्ल प्राची भाषा विवाद घटनाओं का संबंध इसी के कार्यकाल से है. यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक. नेक्स्ट वन. भारत के इसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ही सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया. इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का कार्यकाल कहा जाता है. यह था लॉर्ड एलनबरो. नेक्स्ट वन. द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रसिद्ध व्यापगत के सिद्धांत की शुरुआत, कुशासन के आरोप में अवध और अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराक का अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना, संथाल विद्रोह, चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति पर
डिस्पैच जैसी घटनाओं के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जी थे। नेक्स्ट वन, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। 1857 का विद्रोह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री घोषित होना, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना तथा भारतीय दंड संहिता 1858 और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 का समय इसी के कार्यकाल के अंतर्गत था, यह था लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, आईपीसी और सीआरपीसी का संबंध इन्हीं के काल से था, लॉर्ड कैनिंग के काल का, ठीक है। नेक्स्ट वन, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना का संबंध भारत के इसी वायसराय से है जिसकी कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा अंडमान में हत्या कर दी गई थी, वो थे लॉर्ड मेयो जी। नेक्स्ट वन, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। देखिए फ्रेंड्स, जो ईस्वी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है मैं उसे कॉल कर रही हूँ, ओके, बाकी आप अपने से माइंड कर लेना, ओके। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति 1882, एल्बर्ट विल विवाद, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तथा प्रथम जनगणना जैसी घटनाओं के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट वन, मणिपुर विद्रोह 1891, भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित होना, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना 1893, तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की घोषणा 1893 तथा दूसरा कारखाना अधिनियम 1891, पहला हम लोग पढ़े थे, ये दूसरा है, का संबंध भारत के जिस वायसराय के काल से था वह है लिंसटाउन 1888-94। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक करना ना भूलें, और प्लीज जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू फ्रेंड्स।